Assalam from class 6. How are you? I hope all of you are fine and enjoying good health. Let's start the study. Open your book. Today we are going to do some copy work. Page number is 22 and we are going to do test yourself. First question is, what is tissue? We name three types of tissues. Question number 2 is, name an organ found in a human. And B part is ka, list three tissues which make up this organ. Question number 3, what is an organ system? Give one example. Clear? आ जाए अब आपकी copy work के ऊपर. ये आपका written work है. Chapter number 2, life and living thing. Topic, cells, tissue and organs. Page number 22. Question is, what is tissue? Answer: a group of similar cells doing the same job is called tissue. Group of similar cells, एक ही तरह का सेल का ग्रुप जो एक ही तरह के काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. या एक जैसे सेल जो एक तरह का काम करते हैं मिलकर टिश्यू बनाते हैं. ठीक है, इसका बी पार्ट है, नेम थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू. फर्स्ट इज नर्व टिश्यू, ब्लड टिश्यू, मसल टिश्यू. नर्व टिश्यू, ब्लड टिश्यू, मसल टिश्यू. क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट, नेम एन ऑर्गन फाउंड इन अ ह्यूमंस. नेम एन ऑर्गन फाउंड इन अ ह्यूमंस. तो इस ऑर्गन का नेम क्या है? स्टमक. एन ऑर्गन, स्टमक, एन ऑर्गन. इस थ्री टिश्यूज विच मेकअप दिस ऑर्गन. लिस्ट थ्री टिश्यूज विच मेकअप दिस ऑर्गन. फर्स्ट क्या है? नर्व टिश्यू, ब्लड टिश्यू एंड मसल टिश्यू मेक टुगेदर स्टमक. यानी कि नर्व सेल्स, ब्लड टिश्यूज और मसल टिश्यूज. नर्व टिश्यूज, ब्लड टिश्यूज एंड मसल टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? स्टमक बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, वट इज एन ऑर्गन सिस्टम? गिव वन एग्जाम्पल. ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. यानी कि 1, 2, 3 ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. एंड ऑर्गन सिस्टम कैरी आउट मच लार्जर जॉब देन अ सिंगल ऑर्गन इज एबल टू डू. एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम. अब ऑर्गन्स यानी 1, 2, 3 ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. और ऑर्गन सिस्टम ज़्यादा बड़ा काम करता है मिलकर किसकी कंपैरेटिवली? सिंगल ऑर्गन के. सिंगल ऑर्गन के कंपैरेटिवली जो ऑर्गन सिस्टम होता है उसके अंदर जो 2-3 ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर ज़्यादा बड़ा काम करते हैं. ठीक है, उनका उनके फंक्शंस ज़्यादा होते हैं. और इसकी एग्जाम्पल क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टूडेंट्स, आपने ये तमाम क्वेश्चंस अपनी कॉपी पर करने हैं और अच्छी तरह से याद करने हैं. थैंक यू.